परमेश्वर के सन्निधि में एक और बार संगति मनाने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर खोल के दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिछले दिनों में परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन में अति अधिक होने के द्वारा आज भी हम जीवित बन के परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़कर, परमेश्वर के वचनों के हिसाब से, आत्मा के अभिषेक से जीने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहे, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर के वचन के ध्यान के लिए इफिसियों का किताब 6 अध्याय उसका 18 से लेकर 20 वचन तक, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 verse 18 to 20। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसके 18 से लेकर 20 वचन तक। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू फादर। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Holy God, holy God, holy God, holy God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus, thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. We worship you, we worship you, we worship you. Thank you, Jesus. 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 Holy God, holy God, holy God, holy God, holy God, holy God. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, praise you, praise you. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Dhanyavad, 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 dhanyavad. Glorifying God, glorifying God, glorifying God, glorifying God, glorifying God, Jesus, Jesus, Jesus. We exalt your name. Hallelujah. Holy Master, Holy Master, Holy Master, Holy Master. We worship you, Lord, worship you, Lord, worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ठीक है, ओके, कनेक्शन डिसकनेक्शन हो गया इसलिए माफी। ओके, एफिसियों का किताब 6 अध्याय 18 से लेकर 20 वचन तक, 18 वचन पढ़ते हैं। हर एक समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन आज मैं परमेश्वर के वचन का जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर के राज्य का सूचना, किंगडम कम्युनिकेशन, नहीं तो परमेश्वर के साथ हमारा सूचना कैसे रह सकती है। वहाँ लिखा गया अनुभव में, एफिसियों का किताब 6 अध्याय में उसका 18 वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रार्थना के विषय में लिखा गया, देख सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसी औजार है जो परमेश्वर के साथ हमें कम्युनिकेट करने के लिए, नहीं तो परमेश्वर के साथ क्या करना, सूचना बांटने के लिए, नहीं तो संचार एक मीडियम, इट्स अ वे टू कम्युनिकेट विद गॉड, परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए। मगर
अगर हम लोग देख सकें एफिसियर के अध्याय 6वां अध्याय में आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में के बारे में लिखा गया, आत्मिक युद्ध। तो आत्मिक युद्ध में सबसे जरूरतमंद वाली चीज क्या है जानते हैं ना, हमारे ऊपरी अधिकारी के साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आत्मिक युद्ध में हमें जीतना है तो हमारा उत्तराधिकारी परमेश्वर है, नहीं तो हमारा परमेश्वर हमारा सैन्यों का अधिपति है। तो सैन्यों का अधिपति के साथ हमारा कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, इफ द कम्युनिकेशन विद द अथॉरिटी इज करेक्ट सो वी, तो हम अपना युद्ध जीत सकते हैं। तो हमारे ऊपरी अधिकारियों के साथ हमारा कम्युनिकेशन, संचार, नहीं तो समाधान, रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो युद्ध नियुक्त रीति से जीत सकेंगे। इसीलिए हमारे आत्मिक जीवन का इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए प्रार्थना स्वर्गीय राज्य का क्या है, एक कम्युनिकेटिंग वे है, एक कम्युनिकेशन मेथड है, नहीं तो एक सूचना की एक लेवल है। जैसे दो फोन कनेक्शन दो आदमी को मिला सकती है, दोनों का मन, विचार और हृदय के अनुभवों को मिला सकती है, ऐसे ही प्रार्थना एक आत्मिक व्यक्ति को एक परमेश्वर के साथ क्या कम्युनिकेट करने के लिए, हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं, ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में हो सकती है। इसीलिए उद्धार पाया हुआ प्रति व्यक्ति अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में वो एक युद्ध में चल रहा है, युद्ध के अनुभव में चल रहा है, युद्ध हरदम होते रहा, युद्ध शैतान के विरुद्ध हो रहा है, लोगों के विरुद्ध नहीं, शत्रुओं के विरुद्ध नहीं, तो किसी जाति के विरुद्ध नहीं, तो किसी गोत्र के लोगों के विरुद्ध में नहीं, शैतानिक शक्तियों के विरुद्ध में नहीं, तो हमारे इस शरीर ने जो पाप के साथ हमें खींचने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर हमारा क्या है, एक युद्ध हरदम कामयाबी से रहा है। इसीलिए आत्मिक जीवन में जीवन यापन करने वाला एक व्यक्ति अपने जीवन में युद्ध में जीतना है तो उत्तराधिकारी परमेश्वर के साथ, सैन्य के अधिकारी परमेश्वर के साथ, नहीं तो हमारा कमांडर इन चीफ, नहीं तो हमारा जो सुपरिंटेंडेंट है, जो हमारे अधिकारी है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनसे हमारा कम्युनिकेशन अच्छी रीति से होना चाहिए। हालेलुया। अगर कम्युनिकेशन अगर हमारे अधिकारी के साथ अच्छी तरीके से नहीं जाएगा तो इट इज ए प्रॉब्लम, वो समस्याएं खड़े कर सकती है। हालेलुया। इसलिए आज सुबह के समय हमें देखना चाहिए स्वर्गीय राज्य की सौभाग्यता में, नहीं तो परमेश्वर के साथ वाली जो रिश्ते में हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, हमारे प्रार्थना की शैली कैसी है। इसलिए आज के सुबह हमारा कम्युनिकेशन प्रार्थना में हमें बिल्डअप करना चाहिए। वी हैव टू बिल्ड ए लाइफ टू हैव कम्युनिकेशन विद गॉड। परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए प्रार्थना एक औजार बन गया है, प्रार्थना एक अधिकार की श्रेणी बन गया है, प्रार्थना एक मीडियम बन गया ताकि हम अपने चीजों को परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर से कुछ चीजें हम ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन परमेश्वर से पाने से ही हमारा युद्ध हम जीत सकते हैं। हमारे युद्ध के इस मैदान में हम हैं। आत्मिक लोग जो भी हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ते काटने वाला जो भी है, वो अपना जीवन युद्ध के भूमि में चल रहा है। इसलिए उसके जीवन प्रार्थना की शैली के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना चाहिए। इसलिए यहां पर बताया गया अनुभव में 18वें वचन में बताया गया, प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करो। यहां बताएंगे तुम्हारा प्रार्थना निवेदन है सब कुछ पेटिशन बन के परमेश्वर को बोलो। परमेश्वर को बोलना कैसे बोलने के लिए बताया गया है, आत्मा में बोलने के लिए बताया गया है। हेलो, कैसे बोलनी चाहिए, इन स्पिरिट। आत्मा की मतलब क्या, पवित्र आत्मा की बढ़ोतरी से, नहीं तो पवित्र आत्मा की वरदानों से परमेश्वर को क्या करो, प्रार्थना करो। सारे अपने भाषा में प्रार्थना करो बोलने से सबको अपने भाषा में प्रार्थना करना है। मलयालम में बोलो तो मलयालम में प्रार्थना करते हैं, हिंदी बोलो तो हिंदी में प्रार्थना करते हैं, इंग्लिश बोलो तो इंग्लिश में प्रार्थना, वो सबको आता है। मगर युद्ध जीतना है, यू शुड हैव ए कोड लैंग्वेज। अगर तुम्हारे जीवन में, आत्मिक जीवन में युद्ध जीतना है तो परमेश्वर के साथ आत्मिक भाषा तुमको मालूम होनी चाहिए। इट्स ए कोड लैंग्वेज। इसीलिए कोई भी देश किसी भी देश के साथ युद्ध करता है तो वो अपने आप में क्या कोड लैंग्वेज यूज करते हैं, कोड, ताकि शत्रु को, शैतान को, नहीं तो शत्रुओं को तुम्हारा मैसेज क्या है, तुम्हारा कम्युनिकेशन क्या है, तुम किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन कहाँ से मिल रहा है, कौन तुम्हें उत्तर दे रहा है, कौन तुम्हें जवाब दे रहा है, कौन तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है, कौन तुम्हें चलवा रहा है, वो चीज़ किसी को ना पता होने के लिए वो लोग कोडिंग यूज करते हैं। ऐसा है तो आत्मिक जीवन
जीवन में, नहीं तो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा के वरदानों के बीच में अन्य भाषा ऐसी एक वरदान है जो परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। इसलिए पौलुस यहां बताता, तुम्हारा युद्ध जीतना है यूज कोड लैंग्वेज। तुम अपने युद्ध में जीत हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारा क्या है, ऐसी एक भाषा बात करो ताकि परमेश्वर को सिवाय किसी और को समझ में ना आए। इसलिए बाइबल कहता है जो कोई अन्य भाषा में बात करता है, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो किससे? परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर के साथ सामने संभाषण करता है, नहीं तो परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, परमेश्वर को अपना कोडिंग बता रहा है, परमेश्वर उसको अपना कोडिंग बता रहे हैं, परमेश्वर को अपना मैसेज ये बता रहा है, परमेश्वर उसको मैसेज दे रहे हैं, वे परमेश्वर के सन्निधि में बल प्राप्त पा रहा है, नहीं तो ये शक्ति युक्त पा रहा है। इसीलिए आज सुबह के समय में हमारा प्रार्थना पवित्र आत्मा के पूर्णता से अन्य भाषा की प्रार्थना की शैली में बढ़नी चाहिए। हालेलुया, वो है स्वर्गीय राज्य का कोडिंग। हमारा कम्युनिकेशन स्वर्गीय भाषा के हिसाब से होना चाहिए। हालेलुया, आज बहुत सारे लोग ये चीज को भूल चुके हैं। आज इसीलिए हमारे इस सुबह के समय हम अपने जीवन को एक बार फिर से हमें परख लेनी चाहिए कि मैं अपने प्रार्थना के जीवन को मैं एक बार क्या करूंगा, गठित करवाऊंगा, सेट करूंगा, नहीं तो ऑर्डर में लाऊंगा, नहीं तो मेरे प्रार्थना की जीवन को मैं क्या करूंगा, मैं अच्छे परफेक्टनेस में लाऊंगा ताकि मैं परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकूं, परमेश्वर के साथ बात कर सकूं, परमेश्वर मुझसे बात सके और मेरे युद्ध को मेरे को जीतने के लिए, शैतानिक शक्तियों के विरुद्ध में मुझे जीतने के लिए, मेरी खुद की शरीर के ऊपर मुझे जय प्राप्त करने के लिए मुझे एक डिकोडिंग लैंग्वेज परमेश्वर आप सिखाइए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको देते हैं। इसलिए यहां पे बताया गया कि हर समय हर मुहूर्त मैं क्या कर सकता हूं, आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बात कर सकता हूं। हेलो, एनी टाइम, इसके लिए एक टाइम लिमिट नहीं है, प्रार्थना करने के लिए कोई समय नहीं है, एनी टाइम हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो शुरुआती कैसी होनी चाहिए, यीशु मसीह के पास चेले आकर यीशु मसीह से कहा, यीशु हमें क्या करो, प्रार्थना थोड़ा सिखाओ, तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करवाना सिखवाया। इसलिए मतली के सुसमाचार में देख सकते हैं प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, उसकी एक शुरुआती परमेश्वर हमको सिखाए। हेलो, बिगिनिंग परमेश्वर प्रार्थना से हमको सिखवाए हैं, प्रार्थना की शुरुआत। इसलिए ऐसा कहा गया, हे हमारे स्वर्गीय पिता, शुरुआत ऐसी होती है, मगर प्रार्थना का एंड कैसा करना दिखा नहीं गया है। हालेलुया, प्रार्थना का शुरुआत कैसा है लिखा गया है, मगर प्रार्थना का एंड कैसा करना लिखा नहीं गया। मतलब उसका अर्थ क्या है, शुरुआत करना ही परमेश्वर हमको सिखाए हैं, एंड कब हो जाएगा, जब इस धरती से हम अलग होकर द्वितीय आगमन में परमेश्वर के साथ चले जाएंगे तब प्रार्थना की एंड, कम्युनिकेशन स्टॉप्स, कम्युनिकेशन की सीमा बंद हो जाती है। इसीलिए यीशु मसीह जो प्रार्थना सिखा, इस रीति से प्रार्थना करो, मतलब वही प्रार्थना को दुहरा दुहरा के बोलना नहीं, बदले में क्या जानते हो, वो प्रार्थना से शुरुआत करके क्या करना चाहिए, अभिषेक से पूर्ण वाला, अन्य भाषा से पूर्ण वाला एक प्रार्थना के श्रेणी में हमें चढ़ना चाहिए। हेलो, युद्ध में जीतना है तो हमारा रैंक बदलना है। हो सकता है तुम आर्मी में एंट्री पाए, एक सैनिक बन के एंट्री पाए, मगर तुम सैनिक बनने के बाद धीरे 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 तुम्हारा प्रमोशन होना जरूरी है। द मोर यू गेट प्रमोटेड द मोर यू लर्न द कोड लैंग्वेज। जितना तुम प्रमोशन होते जाओगे उतना तुम्हें अधिकारी के साथ संपर्क जुड़ जाएगा। प्रेज़ गॉड। इसलिए आज सुबह के समय में जितना हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति होती है, जितना हम परमेश्वर के साथ वाले रिश्ता की क्या बोलते हैं जुड़ाव और अधिक अधिक जब होना शुरू होता है तब क्या होने लगता है, जानते हो ना, हमारा परमेश्वर के साथ, नहीं तो हमारे अब सैनिक के अधिकारी के साथ हमारा क्या जाए, एक कोडिंग, एक लैंग्वेज रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, दोनों को मालूम, एक कम्युनिकेशन स्किल, नहीं तो अपने आप को समझने की एक तत्व परमेश्वर हमें सिखाता है। इसीलिए पौलुस यहां बताता है तुम्हारा युद्ध जीतना है, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं भाषाशीली प्रार्थना को बंद करो, अन्य भाषा से पूर्ण वाली प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया, हमारा प्रार्थना अन्य भाषा की कोडिंग से शुरुआत होनी चाहिए। क्यों? हम आत्मिक दौर में क्या हुए, वृद्धि प्राप्त हुए। इसलिए यहां पे बताया गया है एनी सीजन एनी मोमेंट
पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा के साथ भरपूर पाया हुआ एक व्यक्ति क्या करना चाहिए? आत्मा में पूर्ण होकर, आत्मा की अभिषेक प्राप्त हुआ एक व्यक्ति आत्मा की भाषा के द्वारा परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करने की जरूरत है। तो यहाँ पे बताया गया अनुभव 18-19-20 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये किसको बताया? ये कलीसिया को बताया गया है। हेलो, कलीसिया को, कलीसिया को मतलब कलीसिया के विश्वासी हो सकते हैं, कलीसिया के पासवान हो सकते हैं, कलीसिया के मुखिया हो सकते हैं, कलीसिया के जो कोई भी सदस्य है उनके लिए ये वचन बताया गया है, क्योंकि उनके विरुद्ध में युद्ध है, उनके विरुद्ध में शैतान खड़ा हुआ है, उनको हराने के लिए एक शत्रु साम्राज्य खड़ा हुआ है, उनके सामने जीतने के लिए हमारा सैन्याधिपति परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नियुक्त रीति से जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ बताया गया अनुभव में हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के साथ हमारा क्या होना चाहिए, आत्मिक अभिषेक के, आत्मिक अभिषेक से अन्य भाषा के साथ परमेश्वर के साथ हुआ। उसके बाद उसके 18 वचन के दूसरे हिस्सा में क्या बताया गया, भक्तों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करो। उस 19वां वचन क्या बताया, देखें 19 पौलुस बता रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो ताकि मैं क्या करूं, सुसमाचार दूसरों को, क्या दूसरों को बोल सकूं। तो प्रार्थना जो अन्य भाषा से जो प्रार्थना कर सकता है वही पासवान के लिए प्रार्थना कर सकता है। इसलिए पौलुस यहां गुरुत्व रीति से बोलता है, तुम आत्मा में जो प्रार्थना करते हो, अगर आत्मा में प्रार्थना करते हो तो मेरे लिए नियुक्त रीति से क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्यों, क्या मकसद क्या है, ताकि मैं सुसमाचार बोल सकूं। ये पौलुस ये नहीं बोल रहा कि मैं धनी बनूं, मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं ज्ञानी बनूं, ये कुछ नहीं बोल रहा। पौलुस एक ही बात बोल रहा क्या जानते हो ना, मैं क्या कर सकूं, सुसमाचार बोल सकूं, नहीं तो सुसमाचार की शक्ति लोगों के हृदय में ला डाल सकूं, नहीं तो सुसमाचार की शक्ति सामर्थ्य लोगों के जीवन में काम कर सके। इसीलिए मैं क्या करूं, प्रार्थना की अनुभव। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए यहां बताया गया अनुभव में देख सकते हैं पौलुस किसके कलीसिया को क्या बोल रहे हैं, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं क्या कर सकूं, सुसमाचार बोल सकूं। उसके बाद क्या बताया गया, देखो बीसवां वचन, वहां पे एक बात लिखा गया, मैं कौन हूं, कैदी एम्बेसडर इन चेन, आई एम एम्बेसडर इन चेन, मैं कौन हूं, कैदी, कैसा कैदी का राजदूत, एम्बेसडर इन चेन। अरे एक एक ब्रांड का एक एक एम्बेसडर है, एक एक देश का एक एक एम्बेसडर है। यहां पौलुस क्या बता रहे हैं, मैं किसका एम्बेसडर हूं, चेन का, बंधन का, नहीं तो बंधा पड़ा हुआ अवस्थ परिस्थिति का कौन हूं, एम्बेसडर हूं, आई एम एन एम्बेसडर ऑफ चेन। मतलब इसका अर्थ क्या है, पौलुस सुसमाचार के निमित्त क्या हो गया, ब्रांड एम्बेसडर बन गया चेन्स के लिए। हेलो, इसीलिए हमें मालूम करनी चाहिए उस चेन से उधारी पाने के लिए, उस बंधन से छुटकारा पाने के लिए पौलुस बोल रहा है, मेरा ब्रांड जो है कैदी बनकर हुआ परिस्थिति है उसमें से मुझे उधारी प्राप्त होने के लिए मुझे तुम्हारी प्रार्थना की जरूरत है। तुम प्रार्थना करने से क्या होता है जानते हो ना, सेवक परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकती है और लोगों का बंधन पासवान के द्वारा टूट सकता है। हेलो, जब हम प्रार्थना करते हैं क्या होता है जानते हो ना, सैतानिक राज्य का दलदल में फंसा हुआ लोगों का क्या हो सकता है, बंधन छूट सकता है। इसीलिए वहां पे बताया गया आई एम एन एम्बेसडर ऑफ चेन। हेलो, हम विश्वासी लोग क्यों अपने शरीर में अलंकार ऑर्नामेंट्स क्यों नहीं पहनते, अब पहने वाले विश्वासी ना उनसे लेन देन मेरे को नहीं है, मैं परमेश्वर के वचन, क्यों हम लोग ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते, क्योंकि वो ऑर्नामेंट्स मुझे क्या नहीं करती, होल्ड नहीं करती, मैं उससे भी गहरी तरीका का एक चेन, एक ऑर्नामेंट मेरे ऊपर पड़ा है।
वो है क्या सुसमाचार के लिए जो व्यक्त, जो सुसमार के सुसमाचार के लिए जो 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 तरस, जो हंगर वो मेरे अंदर जब है, ये सब चीजों में डेकोरेट होकर मेरे को रहने की टाइम नहीं है। सुसमाचार बोलकर, प्रार्थना कर अभिषेक के साथ सेवकाई को वृद्धि करने के लिए मैं प्रार्थना के कम्युनिकेशन लेवल में मैं चढ़ सकूं, आत्मिक उन्नति प्राप्त करने की जैसी मेरे जीवन को मैं क्या कर सकता हूं, ऊपरी हिस्सा में मैं चढ़वा सकता हूं। इसीलिए वहां पे पॉलिस बता रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं इस युद्ध में जीतने के लिए, इस युद्ध में मैं कैदी ना बनने के लिए, नहीं तो कैदी बने हुए लोगों को उधारी देने के लिए परमेश्वर विश्वासियों को प्रार्थना की कम्युनिकेशन स्किल सिखाइए, प्रार्थना की श्रेणी में परमेश्वर क्या किए विश्वासियों को बढ़ोतरी दीजिए। इसीलिए पॉलिस कह रहा है मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। अब उसकी 20वां वचन की आखिरी वचन क्या बोल रहा है, और यह भी कि मैं सबसे बोलूं और अधिक स्थाई से परमेश्वर की वचन क्या करूं, बोल सकूं, सो दैट आई कैन प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। अरे परमेश्वर की वचन प्रचार करने के लिए बुद्धि से काम नहीं चलेगा, अपना बुद्धि ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अपने क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, परमेश्वर के अभिषेक से ही कुछ ना कुछ हो सकता है, नहीं तो कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा ही कुछ ना कुछ हो सकता है। इसीलिए पौलुस कहता है मेरी प्रार्थना, तुम्हारी कलीसिया की प्रार्थना ही मेरा क्या है, शब्द बन रहा है। हेलो, एक प्रार्थना करने वाला एक कलीसिया एक पासवान को क्या कर सकता है, परमेश्वर की वचन बोलने की शक्ति सामर्थ्य दिलवा सकता है। इसीलिए फिलिपियों का किताब 4 अध्याय उसका 6 और 7वां वचन, फिलिपियों का किताब 4 अध्याय उसका 6 और 7, फिलिपियंस चैप्टर 4 verse 6 and 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, तो हर एक बात निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हेलो, तब परमेश्वर की तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पे बताया गया है कोई चीज के बारे में चिंता ना करो। कब प्रार्थना करना चाहिए, जब तुझे चिंताएं हड़प लेने की शुरुआत करेगी तब तेरे अंदर प्रार्थना की जागरण शुरुआत होनी चाहिए। सब लोग पूछे कब प्रार्थना करना चाहिए, कैसा प्रार्थना करना है, मेरे बोलने का मतलब जब तेरे अंदर विचार ज्यादा बढ़, चिंताओं के विचार जब ज्यादा बढ़ना शुरुआत करेगी तभी प्रार्थना की स्टेप में उड़ना चढ़ना शुरुआत करो। इसलिए यहाँ पे बताया गया कोई भी चीजों के बारे में चिंता ना करो, जब चिंताएं तेरे को डुबाने की कोशिश करेगी तब तेरे अंदर से एक प्रार्थना की वेदना बाहर निकलनी चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम अपने जीवन में क्या करो, आत्मिक रीति से काउंसलिंग पाने के लिए, परमेश्वर के सन्निधि से काउंसलिंग पाने के लिए, नहीं तो परमेश्वर के साथ काउंसलिंग पाने के लिए प्रार्थना की श्रेणी में क्या करो, उठना शुरू करो, ताकि हर विषयों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। अरे प्रार्थना करने के लिए एक टॉपिक की जरूरत नहीं है, सब चीजों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए बोल रहे। कब, जब हमारे अंदर जब विचार ज्यादा बढ़ना शुरुआत कर रहता है, जब हम कुछ सोच नहीं पाते, जो ज्यादा सोचना शुरुआत कर लेते तभी प्रार्थना की श्रेणी बढ़ना चाहिए। क्यों प्रार्थना की श्रेणी बढ़ना चाहिए, ताकि परमेश्वर की शांति हमारे अंदर क्या कर सके, निवास कर सके, एंड पीस ऑफ गॉड विच कैन रिसाइड इन अवर हार्ट, परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में क्या करने के लिए, आने के लिए, नहीं तो रुकने के लिए, नहीं तो रूट प्राप्त करने के लिए, नहीं तो क्या करने के लिए, एक 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 श्रेष्ठ श्रेणी को लाने के लिए। हालेलुया। अगर शांति नहीं है तो क्या होगा, लोग क्यों आत्महत्या करते हैं, लोग क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, लोग क्यों सब प्रकार के व्यर्थ व्यर्थ कामें करते हैं, दारू क्यों पीते हैं, सिगरेट क्यों पीते हैं, गुटखा कहनी क्यों खाते हैं, अनाप शनाप कामें क्यों करते हैं, शांति नहीं है, दिल में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं, कामकाज में शांति नहीं, चीजों में शांति नहीं। इसलिए मैं आज बोल सकता हूँ शांति मिलने की एक ही जगह है वो यीशु मसीह के पास है, शांति मिलने की एक ही जगह है वो प्रार्थना की श्रेणी है। प्रार्थना में अगर हम चढ़ जाते हैं परमेश्वर की शांति हमारे ऊपर व्यापारित होता है। इसीलिए यीशु मसीह अपने जीवन में सदा शांति की माहौल रखने के कारण क्या है, प्रार्थना के श्रेणी में यीशु मसीह थे, इसीलिए वो हरदम शांति के श्रेणी देते थे। इसलिए यहाँ पे बताया गया परमेश्वर के शांति हमें हमारे हृदय में क्या कर सकता है, निवास हो सकता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा हृदय और मन यीशु मसीह के ऊपर
खड़े हो सकता है. वी कैन गार्ड अवर सेल्फ इन क्राइस्ट जीसस. हेलो, जब हमारे अंदर विचारें बढ़ना शुरुआत करते हैं, नहीं तो चिंताएं ज्यादा बढ़ना शुरुआत कर लेता है, तब हम खड़े नहीं हो पाते हैं. ज्यादा ज्यादा चिंता कर करके दिमाग लगा के बहुत सारे लोग खड़े नहीं होते. इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर की शांति प्रार्थना के द्वारा मिलने से हम खड़े हो सकते हैं. जिस जगह में हम गिर गए हैं, जिस जगह में हमें गिरना पड़ा था, उसी जगह पर प्रार्थना की श्रेणी से परमेश्वर हमको खड़ा कर सकते हैं. और उस श्रेणी में परमेश्वर की क्या मिलेगी? शांति हमें मिलेगी, द पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति. इसीलिए बाइबल कहता है ये धरती जिस प्रकार शांति देती है वैसा शांति मैंने नहीं दिया, ऐसा शांति मैंने दिया ताकि तुम्हें इस जगत के अंत तक मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, ले चलने वाली एक शांति परमेश्वर. इसीलिए मैं जगत को जीत चुका हूँ, इसीलिए शांति मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ. यीशु मसीह शांति देकर गए. आज भी लोग यीशु मसीह को विश्वास करके शांति लेना चाहते ही नहीं. इसलिए आज मैं परमेश्वर के कृपा से एक ही चीज में आप लोगों को बोल सकता हूँ, निकट आइए यीशु मसीह के करीब. शांति मुफ्त में लेके जाइए. कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ चढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, कुछ मकसदें पूरा करने की जरूरत, बस यीशु मसीह को बोला परमेश्वर तेरी शांति मुझको दे, मुझे प्रार्थना सीखा, मैं प्रार्थना सीखना चाहता हूँ, मैं आत्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं आत्मिक रीति से केंद्रित होना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन का आत्मिक युद्ध जीतना चाहता हूँ, मुझे जिताने की कोशिश दिलवाइए परमेश्वर, ताकि मेरा संचार, ताकि मेरा कम्युनिकेशन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हो, और मैं क्या कर सकूं, मेरे हृदय और मन में रूट बन सकूं शांति का. अगर हृदय और मन करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम कहां कहां होता है, एक हृदय में दूसरा मन में. हृदय और मन एक नहीं होता तो वह आदमी का जीवन गया, उसके जीवन में कोई शांति नहीं. इसलिए बाइबल कहता है शांति जब हमें मिलता है हमारा हृदय और मन को एक जैसा, मेकिंग अवर हार्ट एंड माइंड एक जैसा, इक्वल. अगर हृदय और मन मिल गया तो हर काम आसान बन गया, वो यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है. इसलिए यहां पे बताया गया अनुभव में, ताकि मैं परमेश्वर के सन्निधि में खड़ा हो सकूं, इसीलिए क्या मेरे हृदय और मन में यीशु मसीह क्या करना चाहिए, व्यापारित होना चाहिए. इसलिए एक चीज, शैतान हमें हराने के लिए यूज करने वाला तंत्र क्या है जानते हो ना, हमारे मन को भड़काने का कोशिश करेगा, हमारा मन को घुमाने की कोशिश करेगा, हमारे चिंताओं को बदलने की कोशिश करेगा. चिंता अगर बदल गई हृदय के विचार भी बदल जाएंगे. वही तो हुआ एदन के वाटिका में. क्या किया, पति पत्नी दोनों मिलकर शादी होकर अच्छे रीति से पारिवारिक जीवन चला रहे, काम कर रहे, सब कुछ कर रहे, अच्छा चल रहा है. मगर शैतान ने क्या करना शुरू किया, हव्वा को आदम से अलग करना शुरू किया. कैसे कैसे, एक पति पत्नी अलग कैसे हो सकते हैं? बस किसी एक को उन दोनों के रिश्ते से हटा के देखो, दोनों के बीच अंदर क्या हो सकती है, समस्या आ सकती है. वही शैतान ने किया. क्या किया, हवा की मन को क्या करना शुरू किया, भड़काना शुरू किया, नहीं तो उत्साहित करना शुरू किया. किस चीजों में, परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के लिए, नहीं तो परमेश्वर के विरुद्ध में आने के लिए, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध विचार करने के लिए. शैतान धीरे 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 हवा की मन को क्या किया, प्रलोभित किया, नहीं तो घुमा डाला. सब सोच रहे एक दिन हवा के साथ शैतान जाकर बात किया, सोच रहे क्या, नहीं एक दिन नहीं, बहुत दिनों तक, बहुत घंटों तक दोनों के बीच में क्या हुआ, बातचीत हुआ, है ना. इसीलिए ना यीशु मसीह भी अपने सेवकाई के समय में, नहीं तो सेवकाई की शुरुआत में शैतान के साथ क्या हुआ, उनको भी भेंट करने की एक अवसर उनको मिला. तो यीशु मसीह ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट से ज्यादा नहीं लिया, 5 मिनट शैतान के साथ बातचीत किया. 5 मिनट के बाद शैतान को भगा दिया, मगर हव्वा ने शैतान को भगाया नहीं. क्या की हव्वा ने शैतान को भगाया नहीं, शैतान ने जो जो बोला उन चीजों को अपने मन में रख के परमेश्वर के बातों को भगा दिया. इसीलिए क्या हो गए, परमेश्वर के शांति से अलग हो गए, उनका हृदय और मन अलग होना लगा, उनके जीवन में प्रार्थना के अनुभव कम होने लगे, प्रार्थना जीवन कम हो गया, परमेश्वर से अलग होना शुरुआत किया. इसलिए हमें मालूम करें शैतान की सबसे बड़ा हथियार हमारा मन को क्या करने की कोशिश कर रहा है, डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा. हेलो,
आप लोग हाईवे में चलाए होंगे, हाईवे में गाड़ी चलाए होंगे, हाईवे में मन को डाइवर्ट करने के लिए, नहीं तो हमारा नजरिया को हटाने के लिए होर्डिंग बॉक्सेस दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट बॉक्सेस, कैंसर के बारे में, रिलायंस के बारे में, टेलीकॉम के बारे में, हर चीजों के बारे में, ताकि क्या हमारा नजरिया ड्राइविंग पॉइंट से, नहीं तो जहां हमारा जाने की उद्देश्य है वहां से एक मिनट हमारा मन क्या कर सकता है, इधर उधर डाइवर्ट करवा सकता है। इसीलिए फोन पे बात मत करो गाड़ी चलाते हुए, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एक साथ दो काम नहीं कर सकते। सब सोचते एक साथ में दो दो काम, क्या चार चार काम कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, करने के बाद तुम क्या कब्रिस्तान के अंदर ही रहोगे। इसलिए हमें मालूम हमारा मन को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे चीजें रखा जाता है, और हाईवे में देख सकते हैं बहुत सारे साइंस लगाए दिया जाते हैं, स्टॉप का साइन, हम्प का साइन, रेलवे क्रॉसिंग का, वो सब हमें क्या चेतना दे रही है कि आगे कुछ क्या है, दुर्घटनापूर्ण वाली कुछ चीजें हैं, तुम अपना मन को केंद्रित रखो, फोकस ऑन द ट्रैक। इसीलिए आज हमें भी मालूम करनी चाहिए, प्रार्थना हमें फोकस करने की सहायता देती है, फोकसिंग ऑन द लॉर्ड। नहीं तो हमारा मकसद क्या है, उस मकसद में प्रार्थना हमें डाइवर्ट करवाता है, परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन करने से हम वापस परमेश्वर के उस गोल में, परमेश्वर की इच्छा में वापस आने लगते हैं, डाइवर्शन लेना शुरू कर लेता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे फिलिपियों का किताब चौथा अध्याय छवा, हर चीजों में व्याकुल न होकर क्या करो, प्रार्थना करो। क्या उसका मतलब क्या है? प्रार्थना ऐसी एक औजार है ताकि आने वाली भविष्य की व्याकुलता को तोड़ने के लिए, नहीं तो आने वाली जीवन की क्या है कठिनाई तकलीफों को परमेश्वर हमें मुक्ति दिलाने के लिए परमेश्वर हमें प्रार्थना की औजार से हमें वार्निंग दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए वहां पे बताया गया ना, हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। अब पहली फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 का 11, द बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 11, यहां पे पता है क्या गया है, सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, परमेश्वर को और परमेश्वर की शक्ति की क्या करो, खोजना शुरू करो। हेलो, क्या खोजना शुरू करना है? सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर की शक्ति को खोजो। तो उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की मुंह की अन्वेषण करो, परमेश्वर की मुंह देखने की इच्छा करो, परमेश्वर की सानिध्य को अनुभव करना शुरू करो। हेलो, वो हमारे जीवन में जरूरत है। प्रार्थना क्या कर सकती है? सीकिंग द फेस ऑफ गॉड, परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर की मुख की रोशनी को देखने के लिए, नहीं तो परमेश्वर की सानिध्य को अनुभव करने के लिए। हेलो, प्रार्थना काय के लिए? जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर को देख पाने वाली श्रेणी, वही था मूसा के जीवन में हुआ। मूसा ने क्या किया? परमेश्वर के साथ समय काटना शुरू किया, परमेश्वर से बातचीत करना शुरू किया, परमेश्वर के शब्द उसने सुनना शुरू किया। तुरंत उसके जीवन में क्या होने लगा? वो परमेश्वर को देखने की अनुभव, परमेश्वर को सुनने की अनुभव, परमेश्वर से चीजें लेने की अनुभव। इसीलिए परमेश्वर उसको क्या किए? व्यवस्थाएं देना शुरुआत किए। क्यों? उसने परमेश्वर को देखा, उसने परमेश्वर से सुना, उसने परमेश्वर के आज्ञाएं लिया, तो एक रिलेशनशिप बढ़ गया। हालेलुया। इसलिए वहां बताया गया किस चीज की आप खोजना शुरू करो, परमेश्वर को और परमेश्वर की शक्ति को। सीक गॉड एंड हिज स्ट्रेंथ। अगर परमेश्वर को हम ढूंढते हैं, परमेश्वर के सानिध्य को हम ढूंढते हैं, तो क्या मिल सकती है हमारे जीवन में? परमेश्वर की सानिधि के द्वारा हमें क्या मिल सकती है? हम परमेश्वर की शक्ति को समझ सकते हैं, परमेश्वर की महत्व को हम समझ सकते हैं। इसीलिए आज हमारे जीवन में इस आत्मिक तौर में, इस आत्मिक युद्ध में जीतने की कोशिश हमें करनी चाहिए। जीतने के मकसद हमारे जीवन में नियुक्त रीति से जरूरत है। अगर हम नहीं जीतते हैं हमारा युद्ध, आज जीतने की कोशिश में परमेश्वर को अन्वेषण करना शुरू करो, प्रार्थना की श्रेणी में चढ़ो। परमेश्वर की शक्ति क्या है? क्यों हम व्याकुल हो जाते हैं? क्यों हम वरी हो जाते हैं?
क्योंकि हम जिसके जिसके सन्निधि में प्रार्थना करते हैं उसकी शक्ति हम जानते नहीं है. वाई डू वी गेट वरीड? बिकॉज वी डोंट नो द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ गॉड. परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को हम जाने नहीं. हम सोचते हैं हमारा परमेश्वर एक 2x2 4x4 6x4 के एक फोटो फ्रेम के अंदर छपा हुआ एक फोटो है समझते हैं. वो नहीं परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य. परमेश्वर श्रेष्ठ है कि बाइबल कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी इसका पादपीठ. कितना महा, कितना श्रेष्ठ वन है. हाउ बिग ही इज. उतना बड़ा परमेश्वर को एक फोटो फ्रेम के अंदर कैसा थप्पा लगा कर रख दिए. हाउ कुड यू फिक्स हिम इन ए स्मॉल फ्रेम? ही कैनॉट स्टे इन ए फ्रेम. वो एक फ्रेम के अंदर रुक नहीं सकता. वो उससे भी श्रेष्ठ वन है. अच्छा हुआ वो जो व्यक्ति फ्रेम के अंदर है वो फ्रेम के अंदर वाला व्यक्ति परमेश्वर नहीं है. अगर परमेश्वर होता वो कब का टूट गया होता. हालेलुया. आजकल के विश्वासियों को परमेश्वर की शक्ति की पहचान ही नहीं, मालूम ही नहीं. हेलो. इसीलिए हम विश्वासी होने के कारण वी डोंट डिपेंड ऑन आइडल्स. हम मूर्तियों के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं. एक फोटो हमें परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य नहीं. परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य अवर्णनीय है, अज्ञानी है. हम समझ नहीं सकते. समझने के लिए प्रार्थना की श्रेणी में चढ़ने की जरूरत है. प्रार्थना के हिस्से में हमें चढ़ने की जरूरत है. तब हमको मालूम पड़ेगा परमेश्वर की शक्ति क्या है. परमेश्वर को देख सकते हैं. परमेश्वर में क्या श्रेष्ठता है. परमेश्वर की सानिध्यता में क्या महत्वपूर्ण है वो हम जान सकते हैं. इसीलिए यहां बताया गया है परमेश्वर की क्या करो, ढूंढना शुरू करो. और बताया क्या जानते हैं ना, दिवा रात्र, दिन और रात परमेश्वर की सानिध्य को क्या करो, ढूंढना शुरू करो. सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड डे एंड नाइट. हेलो. सानिध्य मतलब परमेश्वर की मौजूदगी सुबह शाम रात हर समय अनुभव करना चाहिए. हवा है कैसा मालूम चलता है? जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है हवा है आया ना. नहीं तो पेड़ पौधे इधर उधर हिलते हुए देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि हवा है. परमेश्वर की मौजूदगी है कैसा पता चलेगा? परमेश्वर की मौजूदगी है कैसा पता, तब पता चलेगा जब हम प्रार्थना के श्रेणी में चढ़ चुके हैं और प्रार्थना के द्वारा चमत्कारियां हमारे जीवन में होना शुरुआत करेगा. असाधारण रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू करेंगे. परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करेंगे. हम परमेश्वर से बात करना शुरू, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है. परमेश्वर के सानिध्य हमारे बीच में है. हालेलुया. इसलिए प्रार्थना एक ऐसी औजार है परमेश्वर की अन्वेषण करने की, परमेश्वर की मुख की कांति देखने के लिए. नहीं तो परमेश्वर के साथ क्या करने के लिए, परमेश्वर की सानिध्यता को अनुभव करने के लिए. नहीं तो परमेश्वर के सानिध्य दिवा रात्र क्या करना, ढूंढने की एक मकसद. क्यों हम लोग प्रार्थना में जाते हैं, क्यों हम चर्च में जाते हैं, क्यों हम आराधना करते हैं? ताकि परमेश्वर की सानिध्यता को अनुभव करने के लिए. वाटिका में, एदन की वाटिका में परमेश्वर क्या करते थे, उतर आते थे. क्यों? ताकि परमेश्वर की सानिध्य क्या है वो बताने के लिए. परमेश्वर के सानिध्य में तेरे अंदर की गहरे सब को क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा. इफ यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑल योर सिंस विल बी क्लियर क्रिस्टल बिफोर गॉड. परमेश्वर के सामने सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिख जाएगा. खुल्लम खुल्ला दिख जाने से तुम क्या करोगे, तुम अपने घुटनों पे आकर बोलोगे परमेश्वर मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे रिहाई चाहिए, मुझे माफी चाहिए. मैं अपना जीवन आगे की और कामयाबी में लेना चाहता हूं. तेरी शक्ति और सामर्थ्य मेरे घुटनों की शक्ति ही, मेरे घुटनों में शक्ति प्रदान करके मुझे खड़े करने की अनुभव. वाटिका में परमेश्वर क्यों आए, एदन के वाटिका में परमेश्वर क्यों आए, क्यों आए जानते हो ना? आए इसीलिए कि जो घुटने में पड़ा हुआ आदम घुटने में आने की कोशिश ही नहीं किया. वो अपने आप को खड़े करने के लिए बहुत सारे चीजें बोला. क्या बोला? आदम को परमेश्वर ने बुलाया, आदम तुम कहां हो, हवा तुम कहां हो. तुरंत इन्होंने क्या बोला, परमेश्वर हम पेड़ के नीचे पीछे छिपे हैं, हमको मालूम पड़ गया हम क्या हैं, नंगे हैं. तो परमेश्वर ने पूछा, तुम्हें कौन बोला नंगा, कौन है तुम, नंगा हो बोलकर किसने बोला? तब उसने क्या बोला, परमेश्वर तू जो ने जैसे बोला था उसके विरुद्ध हमने किए, इसलिए हम नंगा हो गए. जिस औरत को तुमने मुझे दिया, मेरे सर के ऊपर दिया, नहीं तो मेरे साथ मिलवाए, उसने मेरे को खिलाया मैंने खा लिया. क्या रीजन है यार?
गलती किया और गलती के ऊपर और गलतियां करने की कोशिश। प्रार्थना हमें क्या करवाती है? गलती किया हुआ एक व्यक्ति को प्रार्थना क्या कर घुटनों में बिठवाता है। हम क्यों घुटने में बैठ? इसलिए बाइबल कहते हैं हर घुटना क्या करेगा? परमेश्वर के सन्निधि में नत होगा। उसका अर्थ क्या है? घुटना नत होने वाली चीजें ही हम करने के करेंगे। इसलिए घुटने में आने का मतलब क्या है? इट्स अ वे ऑफ आस्किंग फॉरगिवनेस, परमेश्वर को माफी मांगने की। नहीं तो परमेश्वर के सन्निधि में क्या मन फिराव का एक 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 कारण है। अरे घुटने में खड़ा होना, पाँव में खड़ा होना अलग अलग है। पाँव में खड़ा होते वक्त जो क्या 80 किलो का बॉडी पाँव के ऊपर आ सकता है, मगर 60 किलो का 80 किलो का बॉडी घुटनों पे आएगा ना, घुटना दर्द करेगा, घुटना सह नहीं पाएगा। क्यों? अभ्यास नहीं है घुटने में। क्योंकि हमें अभ्यास कैसा है? पाँव में खड़े होना का अभ्यास है। कब घुटने में थे? जब बच्चे थे, जब चलना नहीं आता था तब घुटने में थे। इसलिए घुटने में बहुत इधर उधर घुमा घुमा करते थे, मगर जब चलना सीखे तो कभी घुटने में नहीं है। तो प्रार्थना हमें क्या करते? घुटने में ला लेती है। घुटने में लाने का अर्थ क्या है? नीलिंग बिफोर गॉड। वाई? क्योंकि हमें मालूम है कि मैं परमेश्वर के सानिधि में जब आ गया, मेरे अंदर की जो जो चीजें हैं, जो गुप्त गुप्त चीजें हैं, सब खुल्लम खुल्ला क्लियर क्लिस्टर टीवी के समान खुल जाएगा। खुल जाने से क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक घुटने में आकर बोलेंगे, परमेश्वर मुझे इसे रिहाई चाहिए, मुझे इसे मुक्ति चाहिए, मुझे इसे मुझे विमुक्ति चाहिए। आई नीड यू, मुझे तुम जरूरत हो, तुम्हारे बिना मैं ये इसको क्या नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता। वो है उसका सानिध्य को अनुभव करना। लो हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। अरे वो ऐसा कुछ नहीं है। अरे परमेश्वर अगर उतर आ गए ना, तेरे अंदर की गहराइयों को भी परमेश्वर खोज ढूंढ निकालेंगे। हालेलुया। ढूंढ निकालने पर क्या होगा? ऑल्टर कॉल शुरू होगा। हर कलीसिया में ऑल्टर कॉल की जरूरत है। ऑल्टर कॉल के मतलब क्या है? प्रचार खत्म होने के बाद पासवान क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन देते हैं, अगर इस वचन के हिसाब से अगर रिहाई माफी उधारी ले तो अपने जीवन में एक पुनर्स्थापना अगर चाहते हो, घुटने में आओ, परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है। कम बैक टू द गॉड, परमेश्वर की ओर आ जाओ, परमेश्वर की सूली के नीचे आकर हो जाओ, खड़े हो जाओ। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की सानिध्य को ढूंढना शुरू करेंगे, जीवन सारा घुटने में ही बैठेंगे। इसलिए बाइबल कहता है हर घुटने परमेश्वर के सामने क्या होगा? नत होगा। तो घुटने में बैठा हुआ व्यक्ति को कब परमेश्वर उठाएंगे? उठाने की उपयुक्त समय में परमेश्वर हाथ देकर तुम्हें उठाएंगे। डूबता हुआ पत्रस को हो, पानी में तैरने की शक्ति सामर्थ्य सब कुछ जानने वाला पत्रस ना तैर कर डुबकी लगा लगा कर पानी पी पी कर मर कर घुटने में आते वक्त परमेश्वर ने क्या किया जानते ना? हाथ देकर उसको घुटने से उठवाया। दैट्स द नेचर ऑफ माई गॉड। मेरा परमेश्वर का श्रेष्ठता वही है, तुम घुटनों में आते वक्त परमेश्वर अपने हाथ देकर, अपने हाथ को तेरी ओर देकर, तुझे हाथ देकर उठाने वाले। हेलो, हम विश्वासी लोग क्यों हाथ देते हैं? कलीसिया में आते हैं, आजकल तो हाथ भी देने की मना है, सब प्रेस लॉर्ड ऐसा बन गया, नमस्कार वाला प्रेस लॉर्ड। कलीसिया जब मिलते हैं, विश्वासी विश्वासी जब मिलते हैं, हाथ मिलाकर प्रेस लॉर्ड क्यों करते हैं? उसका अर्थ क्या है जानते हो ना? अरे भाई, अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे मेरे आत्मिक आत्मिक पिता, हे मेरे आत्मिक माता, हे मेरे आत्मिक परिजन, हे मेरे आत्मिक दास, मेरे प्रार्थना के द्वारा मैं तुझे उठा के रखूंगा, सुसमाचार के द्वारा मैं तेरे को उठा के रखूंगा, तेरे को गिरने ही नहीं दूंगा। उसका सूचना है हाथ देकर हम प्रेज़ लॉर्ड बोलने वाले अनुभव। हेलो, हम लोग सोचते हैं ये क्या की एक रिवाज है, ये रिवाज कुछ नहीं है, ये एक वर्णना है कि मैं तेरे लिए हूं, तू दलदल में फंसेगा भी ना, मैं तेरे को प्रार्थना से जी उठाऊंगा, मैं सुसमाचार बोलकर तेरे को जी उठाऊंगा। इसीलिए हमारा हाथ दूसरों को उठाने वाली हाथ होनी चाहिए, दूसरों को मारने वाली हाथ नहीं होनी चाहिए, दूसरों को नष्ट करने वाली हाथ नहीं होनी चाहिए, दूसरों की जीव जान लेने वाली हाथ हम। इसीलिए डोंट बी ए मर्डरर ऑफ योर ब्रदर, अपने भाई का कत्ल मत करो, प्यार करो, परमेश्वर के रिश्ता उनको दिखाओ, परमेश्वर की सुसमाचार उसको बताओ, परमेश्वर का जो प्रार्थना तुमको सिखाए उस प्रार्थना के द्वारा गिरे हुए लोगों को उठाओ। वो है परमेश्वर के सानिध्य अनुभव करना।
कीचड़ के दलदल में फंसा हुआ एक व्यक्ति, पाप के दलदल में फंसा हुआ एक व्यक्ति, नरक के दलदल में फंसा हुआ एक व्यक्ति को हाथ देकर उठाकर उसके घुटनों में ले आकर परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़वा के देखो, तुम भी घुटने में, वो भी घुटने में, दोनों माफी के लिए परमेश्वर के सन्निधि में, दोनों की माफी को परमेश्वर क्या कर सकते हैं, उद्धारी के केंद्र में ले सकते हैं। वही है प्रार्थना की श्रेणी, वो है सिक द फेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की शक्ति की क्या करो, अन्वेषण करो, परमेश्वर की सानिधि की अन्वेषण करो, सीक हिज प्रेजेंस। हालेलुया। बाकी सब कुछ हम करते हैं मगर परमेश्वर की सानिध्य भूल जाते हैं, परमेश्वर की शक्ति भूल जाते हैं, परमेश्वर के मुख की रोशनी भूल जाते हैं। इसीलिए प्रार्थना आज हमें याद दिलवा रही है, एक उन्नति श्रेणी में परमेश्वर हमको खड़ा करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। इसी वक्त परमेश्वर जो श्रेणी हमें घुटनों में ला के रखा है, उस घुटने से एक रिहाई हमको दो, एक उद्धारी हमको दो, एक माफी परमेश्वर हमारे जीवन में दो। गिव अस ए फॉरगिविंग स्पिरिट, फॉरगिविंग हार्ट। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। परमेश्वर तेरी सन्निधि में आते, इसलिए दाऊद कहता है परमेश्वर तेरे सन्निधि में आता हूं तो मेरे को जाने की मन ही नहीं करता, एक दिन हजार सालों के जैसे। हेलो, एक दिन हजार सालों के जैसे। सानिध्य अनुभव करना शुरू करेंगे ना तो समय भी हम पहचानना शुरू नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, मेरा समय हो गया, मरने का समय हो गया, मेरा जान जाने का समय हो गया। अरे अभी तक परमेश्वर को अच्छी तरीके से पहचाना नहीं भाई। परमेश्वर के सानिध्य में एक दिन बैठ, 100 साल जिएगा। हालेलुया, वो है परमेश्वर की शक्ति सामर्थ। सीक दैट, उसको ढूंढो, उस सामर्थ को ढूंढो। अब मार्कस 1:1 का 35वां अध्याय, मार्क द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1:35, यीशु मसीह अपने जीवन में सुबह के समय अंधेरा छाते हुए उसी समय यीशु मसीह उठकर प्रार्थना कर रहे हैं। मार्कस की सुसमाचार पहली अध्याय उसकी 35 माफ करना। हालेलुया, हेलो, यीशु मसीह कब प्रार्थना करना शुरू किए? जब अंधेरा छाया हुआ था, रोशनी प्रकट होने से पहले यीशु मसीह सुबह सुबह अंधेरा था, छाया हुआ अनुभव में परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करके शुरुआत कर रहे हैं। हेलो, हमारे जीवन में प्रार्थना की शुरुआत कब होनी चाहिए? अंधेरी अवस्थाओं को रोशनी में प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में क्या है, एक प्रार्थना की निवेदन शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद वही मार्कोस का किताब 6वां अध्याय 46:47 देखा ना, यीशु मसीह सोने से पहले, नहीं तो रात होने से पहले प्रार्थना। हेलो, प्रार्थना हमारे जीवन में हरदम सुबह और शाम को रहना चाहिए। हेलो, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़े हुए हैं तो हमारे परिवार में, हमारे घरों में, हमारे व्यक्ति पर जीवन में सुबह और शाम को प्रार्थना जरूरी है। इट्स ए मस्ट, वी शुड प्रे मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम। सुबह कब? जब अंधेरा दूर हटकर रोशनी आती है तब हमारा प्रार्थना होना चाहिए। दूसरा वाला कब? जब रोशनी दूर हटकर अंधेरी आती है तब हमारे जीवन में प्रार्थना जरूरी है। हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी हर दिन क्या होना चाहिए? एक सेक्टर, एक पैटर्न रहना चाहिए, सुबह और शाम की प्रार्थना। दानियल को देख सकते हैं तो उसका जीवन में क्या, दिन में 3 बार क्या करता था, प्रार्थना करता था। 3 बार मतलब 3 times, तो इसका मतलब उसने क्या किया थे ना, 24 घंटा है, 24 घंटे को क्या कर दिया, 3, 8-8 घंटे में बदल दिया। 8 घंटे के बाद एक प्रार्थना, दूसरे 8 घंटे के बाद दूसरा प्रार्थना, दूसरे तीसरे 8 घंटे के बाद तीसरा प्रार्थना। अरे हमें परमेश्वर सीखकर एटलीस्ट 12 घंटे में एक बार तो प्रार्थना करो, 24 घंटे में 2 बार तो प्रार्थना करो। हालेलुया, क्यों? परमेश्वर की सानिध्य को अनुभव करने के लिए,
परमेश्वर के मुख कांति को देखने के लिए, नहीं तो परमेश्वर के शक्ति सामर्थ्य को पहचानने के लिए, नहीं तो प्रार्थना के द्वारा कितने चीजों को हासिल करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मत्ती लिखित सुसमाचार 17वां अध्याय 21वां वचन में यीशु मसीह की प्रार्थना को अगर देखते हैं, यीशु मसीह बहुत दुखाक्रांत होकर बहुत दर्द और वेदना के साथ परमेश्वर के सन्निधि में अपने चेलों के साथ मिलकर यीशु मसीह क्या किए, अपने 3 चेलों को दूर रखकर यीशु मसीह थोड़ी और दूर जाकर क्या किए, मिट्टी में गिरकर प्रार्थना कर रहे हैं। वाह, क्या प्रार्थना है वो क्या है? वेदना वाली प्रार्थना। वो प्रार्थना क्या के लिए? वो प्रार्थना यीशु मसीह बोल रहे हैं, परमेश्वर अगर तेरी इच्छा हो तो ये पात्र को क्या करो, हटा दो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि यीशु मसीह मरना नहीं चाहते, यीशु मसीह जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के सामने पात्र को हटाइए हटाइए, मौत को हटाइए बोलकर बोल। नो, वो ऐसे ही उसके लिए नहीं बोल रहे। उसका आत्मिक अर्थ क्या है जानते हो ना? अगर परमेश्वर मर जाते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ वाली जो रिश्ता है उससे वो क्या होना, विच्छीन होना। नहीं तो एक माँ के पेट में एक बच्चे को बाई फोर्स खींचने से क्या, एबॉर्शन क्या है? एक माँ की पेट से बच्चे को क्या करा, खींच निकालना। इसलिए परमेश्वर के वचन के हिसाब से एबॉर्शन गलती है, कत्ल है, मर्डर है। उस बच्चे की जन्म माँ के द्वारा हुआ, नहीं तो उसके पापा मम्मी के जीन के द्वारा उस बच्चे की जन्म हुआ। वो बच्चा बड़ा भी नहीं हुआ, पला भी नहीं हुआ, उसका सब अवयव का बना भी नहीं, तभी भी उसका रिश्ता माँ के साथ जुड़ा पड़ा है। उस रिश्ते को क्या कर रहे हैं लोग, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, डोंट अबॉर्ट योर बेबीज प्लीज, इट्स अ सिन अगेंस्ट गॉड। वो परमेश्वर के विरुद्ध सबसे बड़ा घिनौनी पाप है, वो कभी ना करो। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा अपने माँ के कोख से अलग होना कितना मुश्किल है। हालेलुया। एक माँ के पेट से एक बच्चे को अलग करते वक्त उस माँ को और उस बच्चे को कितनी तकलीफ होती होगी। ऐसा है तो पिता परमेश्वर के कोख से यीशु मसीह को अलग जब कर रहे हैं तो यीशु मसीह का मरने का मतलब क्या है? शारीरिक रूप से यीशु मसीह की मौत होना, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के कोख से परमेश्वर यीशु मसीह को क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, स्प्लिट आउट करके फाड़ दिया जा रहा है। उस सेपरेशन को एक बार सोच के देखो, वो सेपरेशन भी यीशु मसीह लेने के लिए तैयार थी ताकि तुम्हें क्या कर सके, नरक की दलदल की सेपरेशन से परमेश्वर तेरे को अलग कर सके, नरक की उस घिनौनी अवस्था से परमेश्वर तुझे अलग कर सकते, परमेश्वर के सहवास से घिनौनी तरीके से दूर हुआ परिस्थिति को परमेश्वर क्या कर सकते, फिर से जुड़ सकते थे। हेलो, परमेश्वर पिता परमेश्वर से यीशु मसीह अलग होने के कारण क्या है? ताकि तुम्हें और मुझे उस अलग हुए स्थान के बीच में आकर फिर से जोड़ित करने के लिए यीशु मसीह क्या किए, मकसद होकर मरे। उसे लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, कहा गेतसेमने में क्या बोलकर, परमेश्वर अगर तू चाहता है तो एक परिस्थिति को क्या कर सकता है, तू अलग कर सकता है, मैं इस परिस्थिति में जाना बहुत मुश्किल है। हाँ या ना? हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। इसलिए मैं अपने वचनों को बंद करना चाहता हूँ। आज सुबह की समय है, अपने जीवन को एक बार हम परीक्षा करके देखेंगे। आज सुबह परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ तेरे से चाहता हूँ। परमेश्वर प्रार्थना की श्रेणी मुझे सिखाई है, मैं तेरी सानिध्य को अनुभव करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। प्रार्थना ऐसी एक प्रार्थना, अन्य भाषा की एक प्रार्थना, आत्मा में मिलित वाला एक प्रार्थना, परमेश्वर मुझे सिखाइए। गेतसेमने की अनुभव मेरे जीवन में ना हो, मैं मेरे जीवन में परमेश्वर से अलग होने वाले अनुभव ना हो। मत्ती लिखित सुसमाचार 17वां अध्याय में परमेश्वर की, यीशु मसीह की प्रार्थना क्या है कि मैं परमेश्वर से अलग ना हूं। हम प्रार्थना, हमें यीशु मसीह प्रार्थना क्यों सिखाए? ताकि हम परमेश्वर से अलग ना हो, सो दैट वी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। हम नरक से फिर से मिल ना जाए, परमेश्वर से दूर ना जाए, स्वर्गीय सौभाग्यता से दूर ना जाए। इसीलिए यीशु मसीह हमें प्रार्थना सिखाए, कम्युनिकेशन सिखाए, बी कम्युनिकेटेड विद गॉड। परमेश्वर के साथ सुसमाचार रखो, संचार रखो, समाचार रखो। सुबह सुबह न्यूज़पेपर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, खबर क्यों पढ़ते हैं?
ताकि अपने देश में क्या हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए। इसीलिए तेरे आत्मिक जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में तू सोच। हैव कम्युनिकेशन विद गॉड। गेट ऑन योर नीस, अपने घुटने पे आ, प्रार्थना सीख, प्रार्थना के गहराई में आ, प्रार्थना की गुरुत्व तेरे आत्मिक जीवन में ला। ऐसा है तो तेरे लिए युद्ध जीतने की मकसद है। सो देयर इज अ चांस टू विन योर बैटल। आत्मिक युद्ध तू जीत सकता है, पाप के विरुद्ध तू जीत सकता है, तेरे अपने शरीर के आशाओं के विरुद्ध तू जीत सकता है, शैतानिक तंत्र अभिलाषाओं के विरुद्ध तू जीत सकता है। इसलिए यीशु मसीह सिखा रहे, प्रे प्रे प्रे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, व्याकुल ना बनो, परमेश्वर की अन्वेषण करो, परमेश्वर की खोजना शुरू करो, परमेश्वर की ढूंढना शुरू करो, परमेश्वर की श्रेष्ठता को पहचानना शुरू करो। सीक हिज फेस। इसलिए आज सुबह के समय परमेश्वर के सन्निधि में सौंपते हैं प्रार्थना करके, आज की इस वाक्य प्रचार को परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज आपके हाथ में हम सौंप कर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज जो वचनों से हमने सुना परमेश्वर, हाउ टू बी कम्युनिकेटिव इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में कैसे हम परमेश्वर के कम्युनिकेशन में कैसे हम बधे रहेंगे। परमेश्वर हमारा सैन्याधिपति परमेश्वर है, हमारा चीफ इन कमांडर है, हमारा अधिकारी है, हमारा ओनर है, हमारा मास्टर है, हमारा श्रेष्ठवान परमेश्वर है। परमेश्वर आज तेरे सन्निधि में हम वापस आ रहे हैं परमेश्वर, आज तेरे सन्निधि से कम्युनिकेटेड होकर परमेश्वर तेरे साथ रिश्ता जोड़कर अनेक श्रेष्ठ चीजों को सीखने के लिए हमें सहायता दीजिए परमेश्वर। हमारे जीवन में और अधिक 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 प्रार्थना की श्रेणियों में बढ़ोतरी पाने के लिए हमें सहायता दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर प्रार्थना की श्रेणी में हमें चढ़ने की शक्ति दीजिए, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तेरी मुख को अन्वेषण करने के लिए, परमेश्वर तेरी सान्निधि को अनुभव करने के लिए, अपने आप में एक घुटने में आकर माफी मांगने की परमेश्वर, पश्चाताप के एक अनुभव परमेश्वर, मन फिराव की एक अनुभव, वापस परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने की एक अनुभव, प्रकाश होने के लिए सहायक मन हो तीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। चीजों में हम व्याकुल न होकर परमेश्वर की शांति के अनुभव में जीवन जापन करने के लिए सहायता दीजिए यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी वक्त शांति की अनुग्रह कीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। परमेश्वर हम तुमसे तुझसे अलग ना हुए जैसे प्रार्थना में हमें बंधित करके रखिए परमेश्वर। हम नरक से में जुड़ित ना हुए जैसे हमें प्रार्थना में बंद करके रखिए परमेश्वर। हमें प्रार्थना में चेन्स में रखिए परमेश्वर। वी मेक अस एंबेसडर इन चेन परमेश्वर। हमें भी परमेश्वर चेन में बंधा हुआ एक परिस्थिति, प्रार्थना के चेन में नेटवर्क में रखा हुआ जैसे हमें रखिए बोलकर प्रार्थना करता हूं। आज सुबह के समय परमेश्वर आपके वचन के माध्यम के द्वारा हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद। तेरी शक्ति सामर्थ्य हमारे जीवन में काम किया इसलिए धन्यवाद। तेरी महत्व महत्व ऐश्वर्य हमारे जीवन में प्रकट किया इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना वीरों के जैसे हमें बनाया इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल कीजिए। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।